आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा कि सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। राजधानी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। इस दौरान कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीमारियों से निजात दिलाने हॉस्पिटलों में मरीज को उचित चिकित्सा सुविधा दिलाने की मांग की है। विकास नगर से जयसिंह बिष्ट की रिपोर्ट। इसके अंदर इस समय जो है डेंगू जैसी मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार खाली एडवर्टाइजमेंट में तो ध्यान दे रही है। आए दिन मुख्यमंत्री के जो है बयान आ रहे हैं डेंगू को लेकर मलेरिया को लेकर कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अरे भाई, ध्यान तो सब रखेंगे रखेंगे, लेकिन इस समय जो हालात हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब जितने भी हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे पशुपतून में, देहरादून राजधानी में है, सब हॉस्पिटलों में कहीं पे बेड की व्यवस्था भी जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही और मरीज बहुत ज़्यादा जो है इस समय परेशान है। दवाइयाँ जो है सही वक्त पर जो है मरीजों को नहीं उपलब्ध हो पा रही। प्रदेश के अंदर जो है 13 लोग अभी तक जो है डेंगू से मर चुके और तकरीबन जो है 200 लोग जो ऐसी हालत में है कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जो है अगर मैं विकास नगर की बात करूं, विकास नगर में जो है जो हॉस्पिटल है सरकारी।